Hi guys, welcome to my channel and I hope you all are doing really great. मैं इस वीकेंड पे अपने घर पठानकोट आई थी क्योंकि मेरा घर पठानकोट में है, तो हम लोगों ने सोचा कि लास्ट का एक दिन जो है उसमें हम धर्मशाला जाएंगे बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी नियर टू पठानकोट. तो गाइज ये एक दिन का ट्रिप है, हमें एक दिन में धर्मशाला कवर करना है. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू इफ़ यू वॉन्ट टू कवर धर्मशाला इन वन डे, सो स्टे ट्यून्ड. गाइज हम लोगों ने धर्मशाला पहुँच के बाइक रेंट कर ली थी जो कि हमें 1000 रुपीस पर डे पड़ी थी. बड़ी बालकनी. गाइज ये जो आप प्रॉपर्टी पीछे देख रहे हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी थी विच इज़ सराउंडेड बाय ट्रीज और नेचर के बिल्कुल बीच में है. इस प्रॉपर्टी का नाम है फॉर्चून पार्क मोक्षा बाय ITC. और ये जो होटल है ये मैक्लोडगंज से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स दूर है, बट दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आपको नेचर में रहना पसंद है, आपको शांति पसंद है, तो डू कम टू दिस प्लेस. दिस प्रॉपर्टी रियली हैज़ वेरी ब्यूटीफुल व्यूज. तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ आज का दिन ही है एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स नड्डी व्यू पॉइंट. इसके बाद हम नड्डी लेक एंड मैक्लोडगंज भी जाएंगे एंड उसके बाद हम चर्च में भी जाएंगे, तो लेट्स गो. एंजॉय द ब्यूटिफुल सीनिक ब्यूटी ऑफ धर्मशाला. अब हम नड्डी व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्नो क्लैड माउंटेन्स आप देख रहे हो ये धौलाधार रेंज है एंड दिस एड्स 4 moons टू द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. सो गाइज नाउ टाइम फॉर द सेकेंड डेस्टिनेशन ऑफ डे. क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो हमें थोड़े टाइम में बहुत सी चीज़ें कवर करनी है, तो हम चलते हैं नड्डी लेक की तरफ. गाइज हम आ गए हैं यहाँ पे, हम नड्डी में हैं और मैं आपको नड्डी की लेक दिखाती हूँ. आज शाम को ही पहुँचे हैं यहाँ पे और अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट 24 hours, और कल हमारी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस एंड वी आर सो एक्साइटेड टू यू नो गो इन द न्यू ट्रेन. आप सोच रहे हो कि आपको कितना लंबा ट्रैक, बट ये रास्ता एक्चुअली इसका यही है और बाकी हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं. यहाँ पे हिमाचल में जितना चलो उतना कम है, बट जो व्यूज़ है चलने के बाद वो बहुत ही अमेजिंग है. तो गाइस लेट्स गो. तो चलो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है. ओह वाओ दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. पीछे बहुत सारे देवदार के पेड़ एंड दिस लेक. यार काश थोड़ा टाइम और होता सो दैट आई कुड एन्जॉय दिस प्लेस मोर. अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं जो कि मैक्लोडगंज है.
और उससे पहले हम धर्मकोट भी जाएंगे। अगर हमें टेबल मिल गया तो हम मॉर्गन्स कैफे जाएंगे जो कि बहुत ही फेमस है धर्मकोट में। अब नड्डी के बाद हम सीधा धर्मकोट जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग मैक्लोडगंज जाएंगे जहाँ पे नामग्याल मॉनेस्ट्री भी है। एक दिन में लेट्स सी हम लोग क्या क्या कवर कर सकते हैं। ये हमारे आइटनरी में नहीं था बट ये रिसेंटली जस्ट हैज बीन एडेड। गाइस अब हम मैक्लोडगंज थोड़ी देर के बाद जाएंगे और अभी हम आपको चर्च दिखाते हैं जिस चर्च का नाम है सेंट जॉन चर्च। गाइस अब ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो ये सेंट जॉन चर्च है। इसका पूरा नाम सेंट जॉन्स इन वाइल्डरनेस है क्योंकि मुझे लगता है ये इतने सारे ट्रीज के बीच में इसलिए इसका नाम ऐसा है। चलो चलते हैं चर्च की तरफ। और ये देखो यहाँ पे आप ग्रेवयार्ड भी देखो। गाइस अब हम लोग सेंट जॉन्स चर्च से वापस जा रहे हैं मैक्लोडगंज को, तो चलो चलते हैं। गाइस ये कैलिंगपोंग रेस्टोरेंट है धर्मशाला में एंड दिस इज रियली फेमस फॉर मोमोज थुपका एंड ऑल द तिब्बतियन डिशेस। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस इफ यू आर इन धर्मशाला, यू विल लव इट। तो अब हमें टेबल मिल चुका है मॉर्गन्स प्लेस में जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। ब्रेकफास्ट करने के लिए अब हम लोग अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं जहां से हमारी ट्रेन है टू दिल्ली, तो लेट्स गो। हमारी सीट्स कौन सी।
now let's start the journey. लॉक भी डाल सकते हैं के साथ हमारा सफर यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपने स्टेशन न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब हम यहां से गुड़गांव जाएंगे, विल टेक द मेट्रो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो नीचे बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करें।